किसी भी फिल्म के ऑस्कर में नॉमिनेट होने का क्राइटेरिया क्या है और ऑस्कर में अवार्ड के अलावा और क्या क्या मिलता है, आइए आज बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दरअसल ऑस्कर में नॉमिनेट होने के लिए फिल्मों का इन क्राइटेरिया पर फिट होना जरूरी है। नंबर वन, ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार कोई भी मोशन फिल्म जो अमेरिका में 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कि लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, इलिनॉयस, मियामी, फ्लोरिडा, अटलांटा, जॉर्जिया में से कम एक जगह कमर्शियल सिनेमा हॉल में दिखाई गई हो। नंबर टू, वो फिल्म फीचर फिल्म होनी चाहिए। फीचर फिल्म 40 मिनट से बड़ी होती है। नंबर थ्री, फिल्म उसी साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में रिलीज होनी चाहिए। नंबर फोर, एक ही थिएटर में फिल्म कम से कम 7 दिनों तक चली हो। अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट को ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ऑस्कर अवार्ड में सिर्फ ट्रॉफी मिलती है, इसमें किसी भी तरह का कैश प्राइज नहीं दिया जाता है। हालांकि अवार्ड जीतने वाले कलाकार की मार्केट वैल्यू जरूर बढ़ जाती है, तो वहां से वो कैश कमा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि ऑस्कर में अच्छी फिल्में ही जाती हैं या फिर कई बार इनसे गलती भी होती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।